अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त ठीक होंगे अल्लाह के करम से। आइए आपको विज़िट करवाता हूँ इटली के इलाके मुनियाई की, जिसका कुछ इलाका पहाड़ पे है और कुछ नीचे आबादी के लिहाज से। और इसमें एक ऐसा चर्च है जो 400 साल पुराना चर्च है। आइए आपको विज़िट करवाता हूँ मैं। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक है। ये इस वक्त मैं इटली का इलाका मुनियाई, इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं घर, ये माउंटेन्स पे बने हुए हैं। ये माउंटेन्स के ऊपर मज़ीद ऊपर जाना है, लेकिन जहाँ तक जा सका तो कैप्चर करूँगा। ये एक चर्च है जिस आपके सामने जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी ये चर्च 400 साल पुराना चर्च है। ये स्पेशली इसके लिए मैं आया हूँ, ये कैप्चर करने के लिए। ये देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है और अच्छी हालत में मौजूद है, देख सकते हैं। और यहाँ इनके कुछ लोग दफन हैं जिनकी ये पिक्चरें लगा देते हैं। ये 1915 1918 में ये देख सकते हैं, ये जो लोग दफन हो जाते हैं उनका ये कुछ टाइम उनकी लाशों को ऐसे रखते हैं, फिर उसके बाद इनका क्या सिस्टम है ये देख सकते हैं। ये जितने भी तस्वीरें लगी हुई हैं, कुछ फौजी थे जो वर्ल्ड वार टू में वन में जो इनके मरे थे, या और भी कोई लाशें जो यहाँ के कह सकते हो नामी ग्रामी जो फौजी थे या लोग थे, उनकी तस्वीरें ये लगाई हुई हैं इन्होंने, और ये डेट भी मेंशन की हुई है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरफ आबादी है, इस तरफ आबादी है, काफ़ी ऊंचाई पे है, लेकिन यहाँ से पता नहीं चल रहा। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आया हूँ और थोड़ा सा ऊपर तक जाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा पहाड़ के बिल्कुल ऊपर से जाके, वहाँ पे जाना साइकिल पे बहुत मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं, अभी तो फिलहाल ये साइकिल है मेरे पास, इस पे आया हूँ मैं। अभी चलूँगा थोड़ा ऊपर पर, नेक्स्ट वीडियो उसके बाद आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वस्सलाम। और ये आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर खड़ा है, ये इनका कब्रिस्तान है इटालियन लोगों का। अभी इसकी इजाज़त है या नहीं, इल्म नहीं है मुझे। मैं बड़ी जो है ना, ये चोरी से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये कब्रिस्तान है इनका, देख सकते हैं आप, ये पहाड़ के ऊपरी साइड पे बना है। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, कुछ ऊपर जा कर फिर थोड़ा सा कैप्चर करना है, ये देख सकते हैं ये कब्रिस्तान है। ये पहाड़ के थोड़ा ऊपर आया हूँ मैं, जहाँ पहले मैं था चर्च से थोड़ा सा ऊपर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये फेल्ट्रे मुनियाई इलाका बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कदीमी एक
सर स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा है, एक घर बना है बहुत ही ज़्यादा कदीमी, जो कि पहाड़ की सतह पे बना हुआ है। ऊपर ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं वादी नीचे नज़र आ रही हो आप सब शायद आपको। ये इलाका है मुन्याई, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरसब्ज इलाका है, और सबसे ज़्यादा सर्दियों में स्नोफॉल इस इलाके में होती है। ये इलाका ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के साथ लगता है, यहाँ से ऑस्ट्रिया तकरीबन 4 घंटे ड्राइव पे दूर है, 4 घंटे की ड्राइव है ऑस्ट्रिया लगता है। ये आपके सामने